अनायरा। फिल्म के स्टार्ट में हमें फ्यूचर का टाइम दिखाया गया है, जब नेचुरल डिजास्टर्स और सी लेवल्स बढ़ने की वजह से अर्थ तबाह होती जा रही थी और पृथ्वी अब इंसानों के रहने के काबिल भी नहीं रही थी। इसलिए लोग एक बहुत बड़ी पैसेंजर स्पेसशिप के थ्रू मार्स माइग्रेट कर रहे थे, जिसका नाम था नायरा। ये शिप बिल्कुल एक ट्रैवलिंग होटल के जैसी थी, जिसमें इंसानों की सोच के अकॉर्डिंग हर तरह की लग्जरी होती है, लाइक रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, स्पास, पूल्स और नाइट क्लब्स वगैरह, जिन्हें पैसेंजर्स अपने 3 हफ्तों के सफर में एंजॉय कर सकते थे। एक तरह से ये पूरा मैन मेड प्लेनेट ही था स्पेसशिप के अंदर। अनारा की लेटेस्ट फ्लाइट में हम मूवी की लीड कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि शिप के एक AI सॉफ्टवेयर मीमा के लिए एज अ मीमा रोग काम करती थी। मीमा एक ऐसा वर्चुअल रियलिटी सिस्टम है जिसके थ्रू लोग अर्थ की डिस्ट्रक्शन से पहले की अपनी मेमोरीज एंजॉय कर सकते थे। मीमा हॉल को पैसेंजर्स के लिए खोलने से पहले मीमा रोप कोच सिस्टम को यूज करके अर्थ के वाटरफॉल को एंजॉय करती है। उसने वहाँ पर फ्रूट्स भी खाए थे। उसके बाद वो अपने रूम में जाती है, जो कि बंक रूम होता है, और उसे वो रूम शिप की एस्ट्रोनॉमर के साथ शेयर करना था, जो कि मीमा रोप के साथ थोड़ा मजाक करती है। एंड देन दोनों सो जाते हैं। अगले दिन मीमा रोप सब पैसेंजर्स को मीमा ट्राई करने के लिए इन्वाइट करती है, जिनमें से सिर्फ कुछ ही लोग इंटरेस्टेड थे। सिस्टम के छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद वो 5 लोगों को मीमा हॉल में ले जाकर इंस्ट्रक्शन देती है कि कैसे अर्थ के लश और डाइवर्स एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करना है। तभी अचानक फ्लाइट में कुछ गड़बड़ होने लगती है, क्योंकि शिप ने खुद को स्पेस डेब्रिस से टकराने से बचाया था। कुछ ही टाइम में पायलट्स किसी तरह शिप को स्टेबल कर लेते हैं, मगर जल्द ही उन्हें पता चलता है कि वो लोग अपने रास्ते से हट चुके हैं। तभी एक पायलट इजाजेल शिप को अपने असल ट्रैक पर लाने की कोशिश करती है, बट सिस्टम उन्हें वार्न करता है कि इंजन की पावर फेल होने की वजह से मेल्टडाउन होने लगा है। सो शिप को पूरी तरह तबाह होने से रोकने के लिए वो लोग उसका सारा न्यूक्लियर फ्यूल निकाल देने का डिसाइड करते हैं। एंड इजाजेल से ट्रैक का पूछने पर वो बताती है कि हम क्लस्टर ऑफ स्टार्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सो कुछ देर बाद कैप्टन शेफोन पैसेंजर्स के लिए अनाउंसमेंट करता है कि शिप का रिएक्टर डैमेज होने की वजह से शिप अपने रास्ते से हट चुकी है और उसे दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए उनके पास एनर्जी नहीं है, क्योंकि पावर स्टेशन पर आग लगने की वजह से हम सारा फ्यूल निकाल चुके हैं। एंड देन वो उन्हें यकीन दिलाता है कि शिप वापस अपने रास्ते पर आ जाएगी जब हमारा सामना किसी सेलेस्टल बॉडी मतलब के प्लेनेट या किसी सन से होगा, क्योंकि उसकी ग्रेविटी के थ्रू शिप खींच के वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। बट उन्हें ये नहीं पता था कि ये कब होगा, सो उनको ऑलमोस्ट 2 साल वेट करना होगा। सब पैसेंजर ये सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक लेडी लिबिडल कहती है कि उसने तो अपने बेटे से प्रॉमिस कर रखा था कि वो उसकी बर्थडे पर उसके पास ही होगी मार्स पर, सो वो इस न्यूज से बहुत ज्यादा इमोशनल होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। मीमा रॉब उसे एक दूसरे पैसेंजर चेबीबा के साथ मिलकर मीमा हॉल ले जाती है, जिससे लिबिडल कुछ ही देर में काम डाउन हो गई थी। मेन बाल चेपोन सब एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग करके बोलता है कि फूड सप्लाई को बढ़ाने के लिए LG की प्रोडक्शन को बूस्टअप कर दो। उस रात एस्ट्रोनॉमर और मीमा रॉब एक दूसरे से इस न्यूज के बारे में बात करती हैं, बट दोनों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि कोई भी मार्स पर उनका वेट नहीं कर रहा था, एज वो पूरी दुनिया में अकेली थी। इसी तरह 3 हफ्ते गुजर जाते हैं। सब चीजें नॉर्मल चल रही थी। लोग टाइम गुजारने के लिए खुद को डिफरेंट एक्टिविटीज में बिजी रखते थे। मीमा रॉब की जॉब भी काफी बिजी हो गई थी, क्योंकि अब ज्यादा लोग मीमा में इंटरेस्ट लेने लगे थे। सो वो अपने इंचार्ज से बोलती है कि उसे एक असिस्टेंट चाहिए इतने लोगों को हैंडल करने के लिए। देन एक रात को एस्ट्रोनॉमर से पूछती है कि शिप को सेलेस्टल बॉडी ढूंढने में कितना टाइम लगेगा, तो वो बताती है कि अगली सेलेस्टल बॉडी देखने तक हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे, और ये बात पायलट भी जानता है। उसकी बात सुन के मीमा रॉब की नींद उड़ जाती है। वो बाहर पानी पीने जाती है तो विंडो से स्पेस में देखकर उसे पैनिक अटैक आ जाता है, तो वो जल्दी से मीमा हॉल जाके सिस्टम को यूज करते हुए अर्थ के एक फॉरेस्ट में वॉक करती है। अगले दिन एक आदमी को भी इसी तरह ये जान के पैनिक अटैक आ जाता है कि शिप वापस असल रास्ते पर कभी नहीं जा सकेगा। सो मीमा रॉब उसे भी हॉल में जाने की सलाह देती है और बोलती है कि मार्स की लाइफ भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है, हमें शिप पर ही सर्वाइव करने की कोशिश करनी होगी। एंड देन मीमा रॉब एक और ऑफिसर के साथ मिलकर उसे हॉल में ले जाती है, ताकि बाकी पैसेंजर उसकी वजह से डर ना जाएं। उसके बाद मीमा रॉब डायरेक्टली शेफोन से बात करती है कि लोग असलियत जान के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, जिससे मीमा की डिमांड और बढ़ेगी। साथ ही वो उसे असिस्टेंट्स के लिए भी कहती है, जिस पर वो उसे 8 लोग देने का प्रॉमिस करता है और बोलता है कि जब लोग LG खाने से यूज्ड टू हो जाएंगे तो हम उन्हें असल सिचुएशन बता देंगे। इसी तरह 3 साल गुजर जाते हैं। मीमा रॉब ने अब नाइट क्लब में टाइम गुजारना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ वो एक आदमी डेजी के क्लोज हो जाती है और वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। फूड की डिमांड को पूरा करने के लिए अथॉरिटीज लोगों को LG प्लांट पर काम करने के लिए काफी पैसे ऑफर करती हैं। साथ ही उन्हें वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स पर भी और वर्कर्स की जरूरत थी, क्योंकि लोगों को अब पानी से स्मेल आने लगी थी।
बीमा की डिमांड भी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी, एज लोगों ने 3 साल से अर्थ को नहीं देखा था। मीमा रो बेजाचल को ऑपरेटिंग आवर्स के बाद मीमा यूज करने की इजाजत दे देती है ताकि उसे लाइन में वेट ना करना पड़े, क्योंकि वो गे थी और इजाचल के लिए फीलिंग्स डेवलप कर रही थी। मीमा रो अपनी फीलिंग्स के बारे में एस्ट्रोनॉमर को भी बताती है, मगर उसके ख्याल में ये लव वगैरह सब मतलब की बातें हैं। एक सुबह मीमा को यूज करते हुए मीमा रो देखती है कि अचानक से बर्ड्स आसमान से गिरने लगते हैं, मतलब सिस्टम में कोई प्रॉब्लम थी, मगर वो प्रॉब्लम को ढूंढ नहीं पाती। एंड उस दिन मीमा अजीब आवाजें देते हुए क्लाइंट्स को टेरिबल नाइटमेयर्स दिखाता है। सो मीमा रोब जल्दी से सेशन बंद करके सबको हॉल से बाहर निकाल देती है। बाहर वेट में खड़े बाकी लोग मायूस हो जाते हैं, जिनमें लिबिडेल भी थी। सो कैप्टन मीमा रोब को डांटता है कि उसने सिस्टम क्यों बंद किया, जिस पर वो उसे एक्सप्लेन करती है कि मीमा को रेस्ट चाहिए क्योंकि वो सब लोगों की मेमोरीज देख देख के एग्जॉस्ट हो चुका है। मीमा रोब कैप्टन से सिस्टम को 1 हफ्ते के लिए बंद करने की परमिशन मांगती है, मगर कैप्टन उसे मना कर देता है। सो जब मीमा को दोबारा स्टार्ट किया जाता है तो वो सिस्टम अगेन बोलता है कि वो लोगों की पेनफुल मेमोरी से परेशान हो गया है और अब वो दोबारा इमेजेस नहीं दिखाएगा। एंड देन अचानक वो खुद को ब्लो अप करने का सिग्नल देता है, तो मीमा रोब लोगों को हॉल में आने से रोकने की कोशिश करती है, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता और फिर तभी मीमा खुद को तबाह कर लेता है। अगले दिन लोग उस सॉफ्टवेयर की याद मनाते हैं। लिबिडल सब पैसेंजर से बोलती है कि मीमा के तबाह होने के पीछे मीमा रोब का हाथ है, क्योंकि वो इसे बहुत ज्यादा यूज करती थी। चिफोन मीमा रोब को सजा देने का फैसला करता है, जिसके लिए इजाजल उसकी फेवर में कैप्टन से बात करने जाती है कि इसमें मीमा रोब की गलती नहीं है। मगर जब कैप्टन इजाजल की बात नहीं सुनता और टॉन्ट भी करता है तो वो उसे पंच मारती है। सो उसे भी बदतमीजी करने के चक्कर में मीमा रोब के साथ ही लॉकअप में डाल दिया जाता है। उसके बाद हम 1 साल बाद का टाइम देखते हैं, जब चीजें और ज्यादा खराब हो चुकी थी। कुछ लोगों ने कट्स बना लिए थे, जबकि बाकियों ने सारी उम्मीद छोड़ के अपनी जान ले ली थी। एज अथॉरिटीज के पास स्टाफ भी कम पड़ रहा था, सो वो मुजरिमों को लॉकअप में डालने की बजाय उनसे काम कराने का डिसाइड करते हैं, जिनमें इजाचल और मीमा रोब भी थी। इजाचल को एलजी का ख्याल रखने का काम दिया जाता है और मीमा रोब को बच्चों को पढ़ाने का। वो दोनों अब लवर्स बन चुकी थी, सोने रहने के लिए एक ही रूम दे दिया जाता है। देन एक लेडी चबीबा उन्हें अपने कल्ट में आने के लिए इनवाइट करती है, जो लिबिडल ने मीमा की याद में बनाया था। वो बोलती है कि हम लोग ये भी जान चुके हैं कि मीमा ने खुद ही अपने आप को मारा था, इसमें मीमा रोब की गलती नहीं। सो वो दोनों मीमा हॉल कल्ट की सेरेमनी अटेंड करने जाती हैं, जहां मीमा के लिए प्रे करने के बाद सब लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, जिससे इजाजल प्रेग्नेंट हो गई थी। कुछ महीनों का टाइम गुजरता है तो वो काफी होपलेस फील करने लगती है कि उसके आने वाले बच्चे को भी शिप पर ही रहना पड़ेगा और वो कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएगा। मीमा रोब उसे प्रॉमिस करती है कि वो सब ठीक करने की पूरी कोशिश करेगी। एंड लेटर ऑन वो चिफोन से एक बीम स्क्रीन बनाने की परमिशन मांगती है, जिससे वो विंडोज के बाहर प्यारी प्यारी सूती फोटोज डिस्प्ले करेंगे। बट चिफोन का कहना था कि ये सब इन्वेंशन छोड़ के उसका फ्यूचर जनरेशन को पढ़ाना ज्यादा जरूरी है, ताकि शिप चलता रहे। जल्दी इजाजल का बेटा जन्म लेता है, जिसे मीमा रोब उसके साथ मिलकर संभालती है। एक दिन उन्हें पता चलता है कि टेलीस्कोप्स ने उनकी तरफ आते एक और शिप को देखा है। वो रेस्क्यू शिप इतना बड़ा नहीं था, सो उन्हें लगता है कि उसमें उनके लिए फ्यूल भेजा गया होगा। जिसके बाद चिफोन पैसेंजर्स के लिए अनाउंसमेंट कर देता है कि ऑलमोस्ट 1 साल में फ्यूल वेसल हमारे पास पहुंच जाएगा, जिससे वो जल्दी वापस घर जा सकेंगे। लोग खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। देन 1 साल बाद मीमा रोब के स्टूडेंट्स फ्यूल वेसल को हुक करके अपनी शिप में लाने की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। वो सब लोग बहुत ज्यादा होपफुल थे कि अब सब ठीक हो जाएगा। उस वेसल के करीब आने पर शिप की आर्टिफिशियल ग्रेविटी बढ़ा दी जाती है, ताकि उस वेसल की स्पीड को स्लो डाउन किया जा सके। एंड देन फाइनली उस वेसल को हुक करके शिप में लाया जाता है। देन साइंटिस्ट की पूरी टीम उस वेसल को इंस्पेक्ट करने के लिए आती है, जो कि उनके लिए एक मिस्ट्री बन चुका था, क्योंकि उन्हें उसे खोलना ही नहीं आता था। एक इंजीनियर बोलता है कि शायद हमारे इंस्पेक्शन के तरीके पुराने हैं, जबकि एक ऑफिसर का कहना था कि शायद इसमें फ्यूल है ही नहीं, हमें लोगों को पहले से उम्मीद नहीं दिलानी चाहिए थी। मगर कैप्टन का कहना था कि इससे लोगों के माइंड्स पर बहुत अच्छा इफेक्ट आया है, सो हमें अभी इस बात को सीक्रेट रखना होगा कि फ्यूल नहीं मिला। साइंटिस्ट को डर था कि वेसल के अंदर कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल ना हो, और वो कैप्टन को यकीन दिलाते हैं कि हम प्रॉप को यूज करने का जल्दी कोई सलूशन ढूंढ लेंगे। लेकिन काफी दिन गुजर जाने के बाद भी उन्हें प्रॉप की कुछ समझ नहीं आती। उधर पैसेंजर्स का सब्र अब खत्म होता जा रहा था, वो सब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं, तो ऑफिसर्स उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए अपनी स्टन गन्स यूज करते हैं। उसके बाद कैप्टन चिफोन इन्वेस्टिगेशन टीम के पास जाता है और एस्ट्रोनॉमर से कहता है कि उसने इस वेसल को डिस्कवर किया था, सो उसे अवार्ड दिया जाएगा। एस्ट्रोनॉमर को लगता था कि इस वेसल में फ्यूल नहीं है, सो कैप्टन ने उसे अवार्ड देने का इसलिए कहा ताकि वो दूसरों को इसकी हकीकत ना बता दे। एंड साथ ही वो दूसरे साइंटिस्ट से भी बोलता है कि हमें पैसेंजर्स की उम्मीद को बनाए रखना होगा, सो आप में से कोई भी लोगों को फ्यूल के बारे में नहीं बताएगा। मगर एस्ट्रोनॉमर उसकी बात मानना नहीं चाहती थी।
और जाते हुए बोलती है कि ये शिप उनके लिए एक ताबूत है, जिससे कैप्टन को गुस्सा आ जाता है और वो एक ऑफिसर की स्टन गन लेकर एस्टोनमर को शूट करके मार डालता है। उसके फ्यूनरल में मिमोरोब उसकी लिखी गई एक पोएम पढ़ती है। उस पोएम में बताया गया था कि अर्थ पर लाइफ एक सपने जैसी थी और कैसे लोगों ने उसके एनवायरनमेंट को तबाह कर दिया। उसके बार टेंशन को भुलाने के लिए मिमोरोब और उसकी फ्रेंड्स ड्रग्स लेने लगते हैं। वो लोग क्लब में डांस कर रहे थे कि तभी अचानक फ्लाइट में टर्बुलेंस होने लगती है। सो ऑफिसर्स तुरंत से सबको कैबिन में जाके सीट बेल्ट बांधने को कहते हैं। और जब मिमोरोब अपने रूम में जाती है तो इधर जल काफी अजीब बिहेव कर रही थी। मिमोरोब को लगता है कि वो नशे की वजह से ऐसा कर रही है। उधर कैप्टन को पता लगता है कि बहुत से क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स इस फ्लाइट टर्बुलेंस की वजह से मर गए हैं, तो वो काफी घबरा जाता है। लेटर ऑन मिमोरोब अपने स्टूडेंट्स के साथ बीम स्क्रीन प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट कर देती है। वो खुशी से इजाजेल को भी बताती है कि जल्दी उनका काम पूरा हो जाएगा, मगर इजाजेल ज्यादा एक्साइटेड नहीं लग रही थी। जल्दी वो लोग स्पेसशिप के बाहर वाटरफॉल का इमेज डिस्प्ले कर देते हैं, जिसे पैसेंजर्स देखकर खुश हो गए थे। मगर जब मिमोरोब अपने कैबिन में जाती है तो उसे पता चलता है कि इजाजेल ने अपने बच्चे को मारकर अपनी भी जान ले ली थी। वो दुख से चिल्लाने लगती है। लेटर ऑन 5 साल और गुजरने पर बाकी बचे सब लोग अनारा के सफर की 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें चिफोन मिमोरोब को बीम स्क्रीन के लिए ऑनररी मेडल देता है, क्योंकि उसके प्रोजेक्टेड इमेजेस ने पैसेंजर्स को अर्थ देखने में हेल्प की थी। मिमोरोब नोटिस करती है कि चिफोन ने अपनी रिस्ट पर कपड़ा बांधा हुआ था, मतलब उसने भी अपनी जान लेने की कोशिश की थी। और अब तक उनकी वाटर सप्लाई भी पोल्यूटेड हो चुकी थी, क्योंकि कोई भी फिल्ट्रेशन सिस्टम का ध्यान नहीं रख रहा था। उसके बाद हमें 24वां साल दिखाया जाता है, जहां बाकी बचे थोड़े से सर्वाइवर्स मीमा हॉल में बैठ के गॉड से बेग कर रहे थे कि उन्हें रोशनी दिखा दे। एंड 5 मिलियन ईयर्स के बाद अनारा बिल्कुल खाली और डस्ट से भरी हुई नायरा कंस्टेलेशन तक पहुंचती है। एंड जब वो कंस्टेलेशन के प्लेनेट के ऑर्बिट में एंटर करती है तो हम देखते हैं कि वो बिल्कुल अर्थ जैसा था। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।